पेपर लीक, संसद लीक, मंदिर लीक, पुलिया उद्घाटन से पहले गिरने लग गए। ये हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। इनकी लगी हुई मूर्ति 70 दिन 70 हफ्ते नहीं टिक पाती, 7 महीने नहीं टिक पाई। हमसे हिसाब मांगते हैं और कहते हैं 2047 का विजन। अरे छोड़िए 2047 का विजन, कोई सिर्फ राजे की मूर्ति नहीं टूटी, हम सबका जो राजे से प्रेरणा लेते हैं उसका दिल। जो काम मुगल नहीं कर पाए, उनको तोड़ने की कोशिश मुगलों ने की नहीं कर पाए, वो इन बेईमानों ने कर पाए। मैं इनको बेईमान इसलिए कहता हूं कि कहीं तो कुछ तो छोड़ देते। अयोध्या में राम के साथ भी यही किया, भगवान राम के वहां मंदिर में पानी गिर रहा है, संसद में बाल्टी लगानी पड़ गई, ये हालत है। यहां कहते हैं हवा की वजह से राजे की मूर्ति गिरी, ऐसा राजे के बनाए हुए 300 साल पुराने किले आज तक नहीं गिरे हवा में, और मूर्ति आप नहीं लगा पाए जो कि मजबूत हो, जो कि नहीं गिरे। हवाएं कोई आज से चलनी शुरू हुई हैं, 2014 और 26 मई 2014 से ही हवा चलनी शुरू हुई इस देश में, पहले हवा नहीं चलती थी। महाराष्ट्र के लोगों के मन में दर्द है, पीड़ा है, गुस्सा है, और वो सिर्फ महाराष्ट्र के मन का गुस्सा नहीं, मैं दिल्ली से आया हूं, पूरे देश के मन में गुस्सा है, पूरे देश के दिल में दर्द है। कोई सिर्फ राजे की मूर्ति नहीं टूटी, हम सबका जो राजे से प्रेरणा लेते हैं उसका दिल टूटा, आप सबका दिल टूटा। प्रधानमंत्री आए, आप सबके दबाव से माफी मांगी, लेकिन किस तरह की माफी? जैसे कोई पत्थर मार रहा हो ऐसी माफी, कभी हमने ऐसी माफी सुनी नहीं, जिस तरह का गुस्से से माफी मांग रहे थे, जैसे पता नहीं क्या एहसान कर रहे महाराष्ट्र की जनता। कोई राजे सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, जैसे भगवान राम सबके हैं, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके हैं। और जो काम मुगल नहीं कर पाए, उनको तोड़ने की कोशिश मुगलों ने की नहीं कर पाए, वो इन बेईमानों ने कर पाए। मैं इनको बेईमान इसलिए कहता हूं कि कहीं तो कुछ तो छोड़ देते। इसमें भी भ्रष्टाचार, नाना साहेब कर्माकर 1921 में मूर्ति बनानी शुरू की, 7 साल लगे मूर्ति बनाने, राजे की मूर्ति बनाई, 1928 में वो मूर्ति खत्म हुई, पुणे में आज भी वो मूर्ति लोग देखने आते हैं। कोई और नाना साहेब कर्माकर को पद्मश्री दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में, वो ऐसी मूर्ति बनी, 7 साल लगे उस मूर्ति के ऊपर। इनको इतिहास नहीं मान, मैं मराठी थोड़ी बहुत समझता हूं, नाना पटोले साहब जो बोल रहे थे मुझे समझ में आ रहा, बिना पढ़े बिना इतिहास को पढ़े फडणवीसी बोलने चले आते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी बोलने चली आती है। महाराष्ट्र के साथ धोखा हुआ और धोखा सीधा प्रधानमंत्री ने किया। क्या जरूरत थी सितंबर में आप किसी को काम देते हो, एक नौसिखिए को काम देते हो, दिसंबर में 3 महीने में मूर्ति बन जाती है, जल्दबाजी क्यों थी? क्योंकि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव आ रहा था। अयोध्या में राम के साथ भी यही किया, भगवान राम के वहां मंदिर में पानी गिर रहा है, संसद में बाल्टी लगानी पड़ गई, ये हालत है। पेपर लीक, संसद लीक, मंदिर लीक, पुलिया उद्घाटन से पहले गिरने लग गए। ये हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। इनकी लगी हुई मूर्ति 70 दिन 70 हफ्ते नहीं टिक पाती, 7 महीने नहीं टिक पाई। हमसे हिसाब मांगते हैं और कहते हैं 2047 का विजन। अरे छोड़िए 2047 का विजन, कोई पुल तो ठीक बना के दिखाइए, अटल सेतु की हालत देखिए। बात राजे की मूर्ति से कहीं ज्यादा है। बात यह है कि राजे की मूर्ति तो अब गिरी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजे के आदर्शों को बहुत पहले गिरा दिया। जो राजे की सेनापति मुसलमान होंगे, बताइए ये सीखे उनसे कुछ? बहिर्जी नायक गुप्तचर विभाग का प्रमुख,
दलित सीखे नहीं क्या उनसे? ये राज्य से कुछ ये सीख ही नहीं सकते राज्य। एक से एक उदाहरण राजे की जिंदगी का, राजे के पूरे कार्यकाल का अगर आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, आप तो सब पढ़े हुए हैं मंच पे जो बैठे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम छत्रपति शाहू जी के साथ बैठे हैं, लेकिन पढ़ के अगर आप देखेंगे तो भाजपा को एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शिवद्रोही हैं, महाराष्ट्र के साथ की पीठ में छुरा थोपा है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये राजनीति से बहुत ऊपर की बात है, राजनीति आती रहती जाती रहती, सत्ता आती है जाती है, कोई फर्क नहीं, लेकिन ये हमारा अस्तित्व है। शिवाजी महाराज को पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए, प्रेरणा लेते हुए बड़े हुए, हमारा अस्तित्व है, ये हमारी नींव है, इस सभ्यता की नींव है। इसके साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त होगा। कोई हो, होंगे वो अपने आप को बादशाह समझते होंगे, नरेंद्र मोदी समझे, आके धमका कर माफी मांग कर दे, कैसे बर्दाश्त करेगा महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति इस तरह की धमकी भरे स्वर से माफी मांग रहे? नहीं चाहिए आपकी माफी, चाहिए। किसको सस्पेंड किया आपने? कौन जिम्मेदारी ले रहा है? शिंदे जी आकर कहते हैं हम एक और मूर्ति बना रहे, भैया बख्श दीजिए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, न कोई उम्मीद है आपसे, आप शिवाजी महाराज की मूर्ति नहीं लगाएंगे, आपको मौका भी नहीं देंगे अब राजे, और राजे चाहते भी नहीं है कि आप उनकी मूर्ति लगाएं। उनके आदर्शों को तोड़ा, उनकी मूर्ति में भ्रष्टाचार किया, और फिर हिम्मत देखिए कि नेवी को बदनाम कर रहे। दिल्ली में जहां से मैं आया, बच्चे मर गए क्योंकि बेसमेंट में पानी घुस गया, तो कहते हैं पानी की वजह से मर गए, यहां कहते हैं हवा की वजह से राजे की मूर्ति गिरी। ऐसा राजे के बनाए हुए 300 साल पुराने किले आज तक नहीं गिरे हवा में, और मूर्ति आप नहीं लगा पाए जो कि मजबूत हो, जो कि नहीं गिरे। हवाएं कोई आज से चलनी शुरू हुई है, 2014 और 26 मई 2014 से ही हवा चलनी शुरू हुई इस देश में, पहले हवा नहीं चलती थी। वो आजकल एक आपके यहां से आपने भेजी है ना मंडी में एमपी बनाकर, वो कहती है ना कि आजाद हुआ ही 2014 में भारत, तो हो सकता है हवाएं भी 2014 में ही चलनी शुरू हुई, उससे पहले हवा नहीं चलती। मजाक बना दिया इस देश, इस बात का दुख है। मैं यहां राजनीतिक बात नहीं करूंगा, इलेक्शन से कोई संबंधित बात नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि हम सब, आप जितने दुखी हैं पूरा देश उतना ही दुखी है, आपके दुख में शामिल होने में आया, और महाराष्ट्र के लोग, इस देश के लोग, देश नहीं विदेशों में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा कोई सिर्फ भारत भर में नहीं है, भारत के बाहर भी बहुत, कोई माफ नहीं करेगा।